बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाम रेहान एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेहान व्लॉग्स। तो दोस्तों आज एक फूड पॉइंट पर मौजूद हैं, ये फूड पॉइंट खानपुर अड्डा रहीमर खान के ऊपर मौजूद है और आज हम यहां पर आए हुए हैं और यहां पर हम आज फास्ट फूड को इन्जॉय करेंगे और आपके साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो दोस्तों आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, आपको लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों हम आपके साथ और चीज़ें शेयर करेंगे, ये फूड पॉइंट एंड रेस्ट इसके साथ ही हम आपके साथ शेयर करेंगे इसके मेन्यूज़। इनका मेन्यूज़ ये है, आगे दिखाया आकर, ठीक है, शवारमा कॉर्नर है, बर्गर कॉर्नर है और विंग्स कॉर्नर है और हार्ट कॉर्नर्स है, इन पर ये तमाम सारी चीज़ें मौजूद हैं और आप इसका मेन्यू देख सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आ जाए अंदर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका भाई? जी मोहम्मद रफीक सर। मोहम्मद रफीक भाई क्या बनाते हैं आप? मैं शवारमा बनाता हूँ सर। शवारमा बनाते हैं? जी सर। कौन कौन से शवारमा बनाते हैं? चीज़ वाला बनाता हूँ सर जी, दूसरा अपना जो है जिंगर, जी जिंगर बनाते हैं, ब्रोस्ट बनाते हैं, क्रिस्पी रोल बनाते हैं सर। भाई मेरा नाम मोहम्मद सलमान। क्या बनाते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास जिंगर, ब्रोस्ट, विंग्स, उसके अलावा क्रिस्पी रोल, अंडा बर्गर, सादा बर्गर, तकरीबन फास्ट फूड के सारे आइटम वगैरह हमारे पास होते हैं। चलें अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है भाई आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद नदीम। शाहिद नदीम भाई ये फूड पॉइंट एंड रेस्टोरेंट कॉर्नर है आपका खानपुर अड्डे के ऊपर और इस पे ये प्राइस ये जो लिखे हुए आपने? हमारे सर हमारे पास जिंगर बर्गर है 130 में, जिंगर चीज़ है 150 में और अंडा चिकन बर्गर दे रहे हैं 100 में, क्लम सैंडविच है वो भी 100 में दे रहे हैं, पेटी बर्गर है 120 में दे रहे हैं, मैंने यानी कि हर चीज़ अवेलेबल है फास्ट फूड के लिहाज से और अच्छी क्वालिटी में। अच्छा यहाँ पर एक बात और है कि यहाँ पर बेहतरीन बैठने का सेटअप है, आप देख सकते हैं ये मेल्स के बैठने के लिए जगह है और बेहतरीन खूबसूरत इन्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं और यहाँ पर चेयर्स लगाई हुई हैं और ये साथ फीमेल्स के बैठने के लिए ये इन्होंने बनाया हुआ है, ये देखें फूड पॉइंट और यहाँ पर फीमेल्स जो है अपनी फैमिली के साथ जो लोग आते हैं वो यहाँ पर इस तौर पर बैठ सकते हैं और इसके साथ यहाँ पर चाय भी मौजूद होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कौन कौन सी चाय बनाते हैं आप? सर ये कश्मीरी चाय बनाते हैं, तंदूरी चाय बनाते हैं, कॉफ़ी, ग्रीन टी और शक्कर वाली चाय मेरी स्पेशल है जी। यहाँ शक्कर की चाय भी स्पेशल तौर पर मिलती है और यहाँ पर लोग इंजॉय करते हैं आकर। ये एक किनाल व्यू को एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पर नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है और बहुत ही माकूल रेट है और आप देख सकते हैं बिल्कुल के बंदा जब यहाँ पर निकलता है रात को फास्ट फूड के लिए या स्ट्रीट फूड खाने के लिए तो ये बेहतरीन जगह है और यहाँ पर लोग ज़रूर विज़िट करते हैं। आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप रहीमर खान का विज़िट करते हैं रात के टाइम या दिन के टाइम तो आपको ये खानपुर अड्डे के पास फूड पॉइंट रिफ्रेशमेंट कॉर्नर तौर के यहाँ पर शॉप मिलेगी और यहाँ से आप नए फास्ट फूड और रिफ्रेशमेंट के तौर पर यहाँ से चीज़ें खरीद सकते हैं और यहाँ पर बैठ के खा भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम भाई आपका? क्या खाने के लिए आप आए हैं? बस इधर विंग्स डील का ऑर्डर किया है अभी। अच्छा तो पहली दफ़ा आए हैं, टेस्ट करके देखेंगे, चेक करेंगे कि कैसा टेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? यूसुफ। यूसुफ भाई आप क्या खाने हैं यहाँ पर? मैं भी इनके साथ ही हूँ, विंग्स खाने आते रहते हैं हम लोग यहाँ पे ना, जिंगर वगैरह भी खाते रहते हैं, अच्छा जायका है इनका, टेस्ट भी अच्छा है इनका ना। ठीक है, थैंक यू। मुनासिब है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह यहाँ पर हमने आपको ये चीज़ें दिखाई, ये फास्ट फूड एंड रिफ्रेशमेंट सेंटर है रहीमर खान में
और ये खानपुर पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, हमको दिखाया भी है हमने। और यहाँ पर बहुत ही माकूल रेट है, अंडा बर्गर है, पराठा है और चाय स्पेशल तौर पर मिलती है यहाँ पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों हम यहाँ पर चाय को एंजॉय कर रहे हैं और फूड पॉइंट के ऊपर बहुत अच्छी चाय है और बहुत अच्छा टेस्ट है। बहुत नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है और यहाँ पर चैनल के बाद हवा है। Okay.